हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का DIPS के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पेट में गैस की समस्या को पेट में वायु बनना या गैस बनना आदि भी बोला जाता है। इसे पेट या आंतों की गैस और पेट फूलना भी कहते हैं। आजकल अस्वस्थ आहार और सुस्त जीवन शैली के कारण पेट में गैस की समस्या होना आम बात हो गई है। आज हम बात करेंगे पेट में अत्यधिक गैस होने की समस्या के बारे में और इनके मुख्य कारण हैं अत्यधिक भोजन करना, बैक्टीरिया का पेट में ज्यादा उत्पादन होना, भोजन करते समय बातें करना और भोजन को ठीक तरह से चबाकर न खाना, पेट में अम्ल का निर्माण होना, किसी किसी को दूध के सेवन से भी गैस की समस्या हो सकती है, अत्यधिक शराब पीना, मानसिक चिंता या स्ट्रेस, एसिडिटी, बदहजमी, विषाक्त खाना खाने से, कब्ज और कुछ विशेष दवाओं के सेवन की वजह से, मिठास और सॉर्बिटोल युक्त पदार्थों के अधिक सेवन से गैस बनती है, सुबह नाश्ता न करना या लंबे समय तक खाली पेट रहना, जंक फूड या तली भुनी चीजें खाना, बासी भोजन करना, अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल न करना, बीन्स, राजमा, छोले, लोभिया, मोठ, उड़द की दाल का अधिक सेवन करना, कुछ खाद्य पदार्थों से लोगों को गैस बनती है, जैसे सेंग, गोभी, प्याज, नाशपाती, सेब, आड़ू, दूध और दूध उत्पादों से अधिकांश लोगों को गैस बनती है। खाद्य पदार्थ जिनमें वसा या प्रोटीन के बजाय कार्बोहाइड्रेट का प्रतिशत ज्यादा होता है के खाने से ज्यादा गैस बनती है। और अब आता है जीवन शैली में किस तरह के बदलाव लाने से गैस से राहत मिल सकती है, जैसे सुबह उठकर प्राणायाम एवं योगासन करें, भोजन को चबा चबा कर खाएं, जल्दी जल्दी भोजन न खाएं, पवन मुक्त आसन, व्रजासन तथा उष्ठासन करें। व्रजासन खाने के बाद करने से गैस होने से रोका जा सकता है। पानी अधिक पिएं, जंक फूड, बासी भोजन तथा दूषित पानी से जितना हो सके बचें। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं आप जरूर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। आप सभी को स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं।